राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग भाई? आज तो टीवीपुर में मौसम ज़्यादा ही खुशनुमा है, हर तरफ से चुगलियों की बहार आई हुई है। अब जहां डांसर टीटू को देख अनुपमा को समर की याद आई, वहीं ईशान ने भी मिस्ट्री विमेन रूपा के साथ मिलकर नई खिचड़ी पकाई। आज हम आपको बताएंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें सोमवार से शुरू होने वाली अभीरा की कहानी के बारे में। ये तो थी टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों के इस ट्रेन का पूरा लेने के लिए राइड सबसे पहले कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि बा के रिक्वेस्ट पर अनुज और अनुपमा रोमांटिक डांस करते हैं, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। इसके बाद अनुज अनुपमा से किया हुआ चैलेंज भी पूरा करता है, जिसके बाद अनुपमा शर्मा कर किचन में चली जाती है सबके लिए खीर लाने। किचन में अनुपमा को देखकर तपिश टीटू किचन की खिड़की पर आता है। अनुपमा उसे चोर समझती है, लेकिन फिर वो बताता है कि अनुपमा का वो बहुत बड़ा फैन है। वो तो दरवाजे से ही आ रहा था डिम्पी से मिलने, लेकिन अनुपमा को देखकर उससे रहा नहीं गया और वो खिड़की से ही आ गया। टीटू को देखकर अनुपमा को समर की याद आएगी, क्योंकि टीटू की हरकतें और उसकी बातें कहीं ना कहीं समर से मेल खाती हैं। इसके बाद टीटू अनुपमा के हाथ का खीर भी खाएगा। वो टीटू को फंक्शन में आने को कहेगी, इस पर टीटू मान जाएगा। अनुपमा टीटू को शाह परिवार से मिलाएगी, जहां टीटू को देखकर सभी बहुत खुश होंगे और पाखी बताएगी कि टीटू सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है और बहुत अच्छा डांस भी करता है। इसके बाद टीटू बताएगा कि डिम्पी को उसका डांस पसंद नहीं आया और वो उसके डांस को एरोबिक्स बताती है। उसे बस ये बताना है डिम्पी को कि वो एक कलाकार है और उसे बाकी डांस फॉर्म्स भी आते हैं। इसके बाद सभी उससे डांस करने को कहेंगे, जिस पर वो मान जाएगा और अनुपमा से रिक्वेस्ट करेगा अपने साथ डांस करने के लिए, जिसके बाद अनुपमा उसके साथ डांस करेगी, जो वाकई बहुत अच्छा होगा और डिम्पी भी तालियां बजाती नजर आएगी। इसके बाद अनुपमा टीटू से उसकी डांस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए कहेगी और उसे समर के बारे में भी बताएगी, जिसके बाद टीटू को पता चलेगा कि डिम्पी अनुपमा की बेटी नहीं बल्कि बहू है, जो अब विधवा हो चुकी है, जिसे जानकर वो हैरत में पड़ जाएगा और अनुपमा का ऑफर भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनुपमा पूजा कर रही होगी, जहां मालती देवी भी दूसरी पूजा की प्लेट लेकर आ जाएगी। इस पर अनुपमा कहेगी कि एक घर में दो पूजा की थाली नहीं होती है। इसी पर मालती देवी अनुपमा को प्रवोक करती नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बा भी किंजल से रिक्वेस्ट करेगी कि वो अमेरिका ना जाए, यहीं रुक जाए। अब किंजल और तोशु रुकेंगे या जाएंगे अमेरिका, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनरेशन लीप आने वाला है, जिसके लिए शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल शो में अक्षरा अभिमन्यु और अभीर का ट्रैक चल रहा है। कल यानी रविवार को ये रिश्ता के इस सीजन का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट होगा। अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले हर्षद चोपड़ा ने अपने आखिरी एपिसोड की शूटिंग भी कर ली है और रिपोर्ट बताते हैं कि आखिरी दिन वो रो पड़े। अब शो में अभिमन्यु और अक्षरा का ट्रैक खत्म हो जाएगा, यही नहीं शो में अभीर की भी मौत हो जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है का नया सीजन अक्षरा और अभिनव की बेटी अभीरा पर और नील आरोही की बेटी रूही की कहानी पर बेस्ड होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं लीप के बाद की कहानी अक्षरा और अभिनव की बेटी अभीरा, अरमान और रूही के इर्द गिर्द घूमेगी। नए सीजन का प्रोमो भी जारी हो चुका है। अभीरा जहां अपनी माँ की ही तरह एक लॉयर बनना चाहती है, वही अरमान एक फैमिली ओरिएंटेड लड़का है, जिसकी सोच अभीरा से बिल्कुल अलग है और करियर को लेकर उसके अलग प्लान्स हैं। रूही अरमान से शादी करना चाहती है, लेकिन अरमान की शादी अभीरा से हो जाएगी। रूही अरमान के भाई रोहित की पत्नी बनेगी, जिसके बाद प्रोमो में आप देखेंगे कि पोद्दार परिवार में अभीरा आ तो जाएगी, लेकिन इस परिवार में औरतों पर कुछ पाबंदियाँ हैं, उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ये रिश्ता का ये जनरेशन लीप इस शो की चौथी पीढ़ी होगी। पहले शो की शुरुआत हिना खान यानी अक्षरा और करण मेहरा यानी नैतिक की कहानी से हुई थी। फिर इस शो में अक्षरा की बेटी नायरा, जिसका किरदार शिवांगी जोशी ने निभाया था, और कार्तिक यानी मोहसिन खान की कहानी दिखाई गई थी, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। फिलहाल शो में नायरा की बेटी अक्षरा यानी प्रणाली राठौर और अभिमन्यु यानी हर्षद चोपड़ा का ट्रैक चल रहा है, जिसका लास्ट एपिसोड कल यानी रविवार को टेलीकास्ट होगा। अब शो की चौथी जनरेशन की कहानी अक्षरा और अभिनव की बेटी अभीरा और नील आरोही की बेटी रूही की कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी। इस बार शो के सारे कास्ट अलग हैं। समृद्धि शुक्ला, सहजादा धामी, प्रतीक्षा होनमुखे, श्रुति उल्फत, संदीप राजोरा, शिवम खजूरिया, प्रीति अमीन, प्रीति पुरी, संदीप बसवाना, सलोनी संधू और अनीता राज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई कहानी के का प्रमुख हिस्सा होंगे। प्रतिभाशाली अभिनेता सिद्धार्थ वासुदेव को लीप के बाद शो में विलेन का किरदार निभाने के लिए कास्ट किया गया है। टेलीचक्कर ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि शो में सिद्धार्थ वासुदेव बहुत ही अहम रोल प्ले करते नजर आएंगे। उनका किरदार शो को आकर्षक और रोमांचक बनाए रखेगा। हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये नया सीजन इस सोमवार यानी 6 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसका टेलीकास्ट रात में 9:30 बजे से स्टार प्लस पर किया जाएगा और आप इसे कभी भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
अब चलते हैं सभी के मोहल्ले में। आज आप देखेंगे कि मिस्ट्री विमेन रूपा की मिस्ट्री से पर्दा उठता है। दरअसल ईशान सभी का पीछा करते करते उसी भूतिया बंगले में पहुंचता है जिस जहां पे सभी आई है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ईशान को पता चलेगा कि रूपा एक मर्डर मिस्ट्री राइटर है और सभी उसके लिए असिस्टेंट राइटर का काम करती है। इसके बाद ईशान को सभी की सिचुएशन के बारे में भी पता चलेगा, जिसके बाद उसके मन में सभी के लिए हमदर्दी और बढ़ जाएगी। अब ये हमदर्दी है या फिर हमदर्दी से बढ़कर कुछ और, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस सब में सबसे मज़ेदार ट्विस्ट ये है कि सभी के बर्थडे पर ईशान को यह एहसास होगा कि जो वो सभी के लिए फील करता है वो सबसे अलग और स्पेशल है। ईशान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसका पहला प्यार रीवा का कॉल आता है और वो बताती है कि वो सिर्फ ईशान के लिए इंडिया वापस आ रही है। अब ईशान किसके प्यार में गुम होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ ही अब हो गया है तितली के जाने का समय। कल मिलते हैं टीवी पूर की कुछ और चटपटी चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।